कारकीय परसर्गों संबंधी अशुद्धियाँ। इस मॉड्यूल में आप कारकीय परसर्गों संबंधी अशुद्धियों के बारे में पढ़ेंगे। कारक की परिभाषा। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक की विभक्तियों की परिभाषा। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कारक की विभक्तियां या परसर्ग कहते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं जिनके विभक्ति चिन्ह इस प्रकार हैं: कर्ता ने, कर्म को, करण से, के साथ, के द्वारा, संप्रदान के लिए, को, अपादान से अर्थात पृथक होने का भाव, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। सामान्यतः कारकीय परसर्गों के गलत प्रयोग से कारकीय परसर्गों संबंधियां उत्पन्न होती हैं। उदाहरण के लिए अशुद्ध वाक्य मैं यह इस वाक्य में कारकीय परसर्ग संबंधी दोष है। इसका शुद्ध वाक्य है मैंने यह काम नहीं किया है। अशुद्ध वाक्य मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ। इस वाक्य में कारकीय परसर्ग संबंधी दोष है। शुद्ध वाक्य है मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। अशुद्ध वाक्य हमने इस विषय को विचार किया। इस वाक्य कारकीय परसर्ग संबंधी दोष है। शुद्ध वाक्य है हमने इस विषय पर विचार किया। आठ बजने को 10 मिनट है। इस वाक्य में कारकीय परसर्ग संबंधी दोष है। शुद्ध वाक्य है 8 बजने में 10 मिनट है। वह तेज में सोकर उठता है। इस वाक्य में कारकीय परसर्ग संबंधी दोष है। शुद्ध वाक्य है वह देर से सोकर उठता है। मोहन अपने दोस्त के घर को जा रहा है। इस वाक्य में कारकीय परसर्ग संबंधी दोष है। शुद्ध वाक्य है मोहन अपने दोस्त के घर जा रहा है। इस मॉड्यूल में आपने सीखा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य की क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। कारक को प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का किया जाता है उन्हें कारक की विभक्तियां या परसर्ग कहते हैं। कारकीय परसर्गों के गलत प्रयोग से कारकीय परसर्गों संबंधी अशुद्धियां।